दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही मजेदार चटनी। यह चटनी किस चीज से बनेगी ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन यकीन करिए बहुत टेस्टी चटनी ये बनने वाली। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी चटनी को बनाने का और किस चीज से बनी है। जब ये आपको पता चलेगा तो आप को मजा ही आ जाएगा। तो प्लीज पूरे वीडियो को देखिए, इस टेस्टी सी चटनी को मैंने किस चीज से किस तरह से बनाई है, जरूर से आप भी ट्राई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सी चटनी को बनाना। यदि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों, तो पहले उसको ट्राई करिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी नई रेसिपीज अपलोड करूं मैं अपने चैनल पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज दोस्तों, आज इस मजेदार सी चटनी को हम बनाने वाले हैं नींबू के साथ। बहुत टेस्टी चटनी ये बनेगी और उसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 250 ग्राम नींबू। आप भी गिनती से नींबू मत लीजिएगा, इस तरह तोल के लेंगे तो आपको मसालों का चीनी का परफेक्ट ना पता चल जाएगा। तो 250 ग्राम मैंने लिए हैं नींबू। 250 ग्राम नींबू में जो इतना मसाला हमें डालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 1 चम्मच सरसों का तेल, 2 टेबल स्पून चीनी, लौंग है यहाँ पे 10 से 12, 20-25 मैंने लिए हैं काली मिर्च के दाने। इसी के साथ है मेरे पास सफ़ेद नमक, ये है मेरे पास काला नमक और ये है जीरा। हरी मिर्च आप स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च क्योंकि मुझे बहुत तीखा सब्जी और अचार अच्छा नहीं लगता है या फिर चटनी। और अब जो पहला काम करना है वो हमें करना है, नींबू को अच्छे से धोना है 2 से 3 बार, जिससे छिलकों पर अगर मिट्टी लगी हो वो हट जाए, क्योंकि हमें धोकर इन नींबुओं को अच्छे से छीलना भी है। तो सारे नींबुओं को अच्छे से धो लीजिए। सारे नींबू अच्छे से धुल चुके हैं, डाल दिया है मैंने किचन टॉवल पर। सारे नींबू को अच्छे से पोंछ लेंगे, पानी बिल्कुल भी छिलकों पर नहीं रहना चाहिए। नींबू सारे धुल चुके हैं, अच्छे से पोंछ लिया है मैंने, देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम छीलेंगे इन सारे नींबू को, सारे नींबू का छिलका हटा देंगे, आराम से छिल जाता है दोस्तों। तो चलिए छील लेते हैं इन सारे नींबुओं को। तो नींबू तो हमारे सारे छिल चुके हैं, तो अब क्या करना है, नींबू को बीच से ऐसे 2 भाग में काट लेंगे। दोस्तों एक बार इस चटनी को बनाइएगा, यकीन करिए इतनी टेस्टी लगती है दाल और चावल के साथ तो स्पेशली। और पता है मैं तो दाल भी नहीं लेती हूँ, केवल चावल में इस चटनी को मिला के खाती हूँ, मजा आ जाता है। तो ट्राई करिएगा, अगर पसंद आएगा तरीका मेरे तरीके खाने से तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए सारे नींबू काट लिए हैं और अब चटनी हमारी कड़वी ना हो उसके लिए हमें सारे बीज को निकाल देना है। तो इस तरह से चाकू की नोक से हम सारे नींबू में से बीज को निकाल देंगे। ये देखिए सारे बीज निकाल दीजिए इस तरह से, सारे नींबू में से मैंने बीज भी निकाल दिए हैं। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे रख दिए मैंने एक कढ़ाई और कढ़ाई में थोड़ा सा पानी है, बिल्कुल पानी नहीं रहना है, पानी को मैं सूख जाने देती हूँ। पानी सूखने के बाद डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए दोस्तों, क्योंकि मैंने सरसों के तेल में ही चटनी बना रही हूँ, तो तेल को अच्छे से गर्म करना है। अब जाएगा इसमें जीरा, काली मिर्च के दाने, लौंग और जाएगी हरी मिर्च। कुछ सेकेंड इस तरह से चला लेते हैं और अब जाएगा इसमें नींबू जो हमने बीज निकाल कर काट कर छील कर रखा हुआ है, इसको भी अच्छे से मिला देंगे इन सब चीजों के साथ। और अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके कुछ मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे, जिससे नींबू, काली मिर्च, हरी मिर्च, लौंग ये सब अच्छे से गल जाए। कुछ देर हो चुका है, चलिए कवर हटा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए नींबू गल चुके हैं, अच्छे से दब रहे हैं। इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे नमक और चीनी।
तो डाल रही हूं मैं यहां पर आधा चम्मच के लगभग हींग पाउडर, काला नमक स्वाद अनुसार, सफेद नमक स्वाद अनुसार, और ये है चीनी। चीनी अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भी आप कर सकते हैं। मैं डाल रही हूं 2 टेबल स्पून चीनी, और हम सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए स्वादिष्ट चटनी, एक बार बनाइएगा, बिना सब्जी के आप पूरा खाना खा सकते हैं चटनी के साथ, ऐसा मेरा कहना है, लेकिन आप विश्वास तभी करिएगा जब आप लोग ट्राई करिएगा। और अब गैस की फ्लेम को मैंने लो से मीडियम कर लिया है, और चीनी को हम नींबू के साथ गला लेंगे। दोस्तों अगर चटनी की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो पहले ट्राई करिएगा, पसंद आ जाए लाइक करके अपनों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग मेरा ये रेसिपी किस शहर से कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट करिएगा। और अब हम इस चटनी को कवर नहीं करेंगे, इसी तरह खुला करके थोड़ा सा चीनी को हम गाढ़ा होने देंगे, बस 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर। चीनी सारी मेल्ट हो गई है और चटनी का कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको करेंगे मैश, जिससे आ जाएगा ये हमारा चटनी की तरह, बिल्कुल चटनी की फॉर्म में। तो चलिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसको ठंडा होने दीजिए। चटनी हो चुकी है अच्छे से ठंडी, और अब मैं क्या कर रही हूँ, इस कढ़ाई में इसको मैश कर ले रही हूँ। इस तरह से चाहे आप ले सकते हैं एक मैशर, मैशर तभी यूज करिए जब ज्यादा चटनी आप बना रहे हो। मैंने बनाई है केवल 250 ग्राम नींबू के साथ चटनी, तो मेरा ये अदरक कूटने वाली मूसली है ना दोस्तों, मैं इसी से मैश कर लेती हूँ। तो बस कढ़ाई में ही हम इसको मैश कर देंगे। ध्यान रखिएगा मिक्सी में हमें चटनी को नहीं पीसना है, क्योंकि हल्का हल्का हमें नींबू का, हरी मिर्च का, लौंग सबका क्रंच चाहिए चटनी में। तो बस इस तरह से मैश कर देते हैं इस चटनी को। और ये हो गई तैयार हमारी नींबू की बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी। दोस्तों आप ज्यादा भी इसको बना सकते हो, फ्रिज में आप 15 दिन महीना भर स्टोर करेंगे ये चटनी नहीं खराब होगी, क्योंकि हमने इसको पकाकर बनाया है। इसी उम्मीद के साथ मिलूंगी आप लोगों से एक नेक्स्ट रेसिपी वाले वीडियो में, कि आप लोग इस चटनी को जरूर से बनाएंगे और तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। तो प्लीज बनाइए इस मजेदार सी चटनी को जो मैंने बनाई है नींबू के साथ इतने आसान तरीके से। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।